ओके, तो गाने की शुरुआत होती है स्प्रिंग फेस्टिवल से, जहां पर ध्वनि, जिसका नाम हम गाने के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रखेंगे, बोली। हाँ, तो बोली यहां पर ओवर हैप्पीनेस के साथ कर रही होती है डांस, तभी आता है उसका बीएफ चतुर। हाँ, इस कैरेक्टर के ऊपर ये नाम अच्छा लग रहा था तो मैंने रख दिया। अभी थोड़ी देर पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा कि ये नाम इसको क्यों मिला। और दूसरी तरफ एंट्री होती है स्टोरी के सबसे इनोसेंट बंदे की, जिस पर सभी लड़कियां लाइन मारती है, पर वो है कि किसी को भाव ही नहीं देता, इसलिए उसका नाम रखते हैं भोला। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, भोला। इसके बाद आती है ये लड़की, जो कि गाने की स्टोरी के स्टार्टिंग से ही भोला पर कुछ ज्यादा ही लाइन मारती है, और पूरे गाने में ये जन्नतें दिखाने में लगी रहती है, तो इसीलिए इसका नाम रखते हैं जन्नतों की मालकिन। मतलब गाने में मेन चार कैरेक्टर हो गए, बोली, बोला, चतुर और जन्नतों की मालकिन। हाँ, मुझे पता है कि अभी तुम रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी तुमको आगे आगे चल के सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो कुछ देर बाद बोला जाता है लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे तुम या फिर मैं होऊंगा तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपना बोला वहाँ पे जाके पढ़ता नहीं है, बल्कि गाने गाता है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। अरे यार, तुम लॉजिक के बारे में सोच रहे हो? अरे भाई, नहीं मिलेगा वो इधर। हाँ, तो बोला लाइब्रेरी में जाके गाने गा ही रहा होता है, तभी गाने में लिरिक्स आते हैं, जन्नते सच कहूँ छोड़ दू, और इन लिरिक्स के साथ ये लड़की वीडियो में कुछ दिखा रही होती है, जिनको जन्नते कहते हैं। तो आ गया समझ कि मैंने इसका नाम जन्नतों की मालकिन क्यों रखा। बहुत तेज हो रहा है। और देखो भाई, स्कूल्स में हमसे पढ़ाई होती नहीं है, और जब रियलाइज होता है कि भाई बहुत सारा टाइम निकल चुका है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, और तब हमको याद आती है सेल्फ स्टडी, और उसके लिए जाना पड़ता है लाइब्रेरी। लेकिन ऐसे गानों को देखने के बाद तो लगता है कि लाइब्रेरी में भी अब हमको पढ़ाई नहीं बल्कि जन्नतें मिलेगी। और देखो भाई, यहाँ पर बोला है जाकिर खान का फैन, इसलिए उसका रेस्पॉन्स होता है, अरे नहीं देखनी यार मेरे को जन्नतें, VPN है मेरे पास, देख लूंगा। और अपने बोला की बात पर जन्नतों की मालकिन को लग जाती है मिर्ची, और वो अपने ईगो को शांत करने के लिए लेती है बोला का, मोबाइल लेती है और फेंक देती है। जब ये मोबाइल को लेती है तब मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होती है, लेकिन जब ये गिरता है तब स्क्रीन ऑन होती है, ऑटोमेटिक लॉक खुल जाती है, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, मोबाइल इतने ऊपर से गिरने के बाद भी खराब नहीं होता है भाई, लगता है बिल्ड क्वालिटी नोकिया की है, लेकिन देखने से तो यार एप्पल का लग रहा है। अभी देखते हैं, कुछ देर में पानी का पानी और दूध का पानी हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, और कुछ देर बाद मोबाइल मिलता है बोली को, जिसको वो सीधा अपने सॉन्ग में यूज करती है। पर भाई, जब मोबाइल की रिकॉर्डिंग की आवाज को आप माइक में फिर से प्ले करते हैं तो इतनी साफ आवाज आती है क्या, खुद सुन लो। वो तो ऐसे आनी चाहिए थी ना। चलो इसको छोड़ते हैं। और इन सब के बाद भी बोली की किस्मत है सबसे खराब, मतलब दूसरी बार जब मोबाइल का यूज करने लगती है तो मोबाइल खराब हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जो मोबाइल 3 मंजिल ऊपर से फेंका गया तब तो वो खराब नहीं होता है, लेकिन जब बोली उसको अपने हाथ में लेके प्ले करती है रिकॉर्डिंग को तो फिर वो मोबाइल खराब हो जाता है। कोई भी लॉजिक की बात नहीं करेगा, चुप। और इसके बाद बोली खेलती है विक्टिम कार्ड वाला गेम एंड सुनाती है अपनी सो अनलकी सैड स्टोरी, जो कि हर इंडियन रियलिटी शो में सुनाई जाती है। इसके बाद बोली का होने वाला बोला गाता है बेड में से गाना, लेकिन इससे जजेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई, चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब तुम कॉम्पिटिशन करवा रहे हो और वहाँ पर हर कोई आके गाने गा रहा है और तुम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे प्रॉब्लम तो छोड़ो, ये तो 10 में से 10 दे रहे हैं, बोला था लॉजिक की बात नहीं करनी है, फिर भी यार तुम मानते नहीं। और इसके बाद बोली को हो जाता है बोले से प्यार, देख रहे हो, सुबह इसका 10 बजे ब्रेकअप हुआ था और शाम के 9:30 बजे उससे पहले इसको दूसरे से प्यार हो गया, इसीलिए तो मैंने बोली के पहले वाले बंदे का नाम चतुर रखा, टाइम रहते निकल गया, अच्छा किया, वरना इसका तो रोजाना ब्रेकअप होगा और कुछ घंटों के बाद नए बंदे से प्यार हो जाएगा। ओके, तो पूरे गाने का कंक्लूजन निकाले तो बस यही है कि अगर तुमको कोई छोड़ जाए या फिर तुमको चीट करे तो उसके पीछे बैठ के रो मत, दारू मत पियो, बल्कि अपना काम करो, काम पे फोकस करो और शाम तक दूसरा पटा लो या दूसरी पटा लो। एंड इसी के साथ इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया है, तो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।